है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। आपको एनसीईआरटी में नंबर सिस्टम नहीं है, 9th चैप्टर के नंबर सिस्टम चैप्टर में ये सारा कुछ दिया हुआ है, एक्सपोनेंट एंड पावर फिर रेशनलाइजेशन, लेकिन आपको आरडी समझ ये अलग से, तो मैं अलग से दिखा रहा हूं पूरा एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर जैसे हमने यहां पे लिखा ये a की पावर b, तो ये क्या होगा, इसको नीचे वाला क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, ठीक है, पावर बोले या एक्सपोनेंट, ठीक है। a के पावर b जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 के पावर, और भी एग्जांपल ले रहा हूं 2 के पावर 3, तो ये 2 क्या हो गया, बेस हो गया, और 3 क्या हो गया, पावर हो गया, ठीक है। अब इस 2 के पावर 3 को अगर हम इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करें तो 2 × 2 × 2 कितना बार, 3 बार, ठीक है, क्लियर। तो वैसे ही अगर हमारे पास ये इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो वैसे हमारा अगर 2 के पावर 6 हो तो 2 × 2 × 2 × 6 बार करेंगे, ठीक है। उस तरह से अगर हमारे पास 2 के पावर 10 हो तब क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार, 6 था तो 6 बार, यहाँ n है तो n तो हमें मालूम नहीं, n कुछ भी हो सकता, 50 60 सब कुछ भी, तो हम n टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये हुआ एक्सपेंड, ये हो गया इसका x, इधर जो हो रहा है इधर क्या करना, एक्सपेंड करना। अब इसी का उल्टा दे देगा, अगर ऐसे ले लिया 3 बार ले लिया 2 × 2 × 2 तो क्या लिख लेंगे 2 के पावर 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 10 टाइम्स तो क्या लिख देंगे 2 के पावर 10, 2 × 2 × 2 × 2 × 10 टाइम्स क्या लिख देंगे 2 के पावर n। तो एक्सपेंशन से ऐसा और ऐसा से एक्सपेंशन सर हम जानते हैं पहले से, ठीक है, मैं इसको रिपीट कर दिया। उसके बाद है आपका नेगेटिव पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव पावर ये मैं लिख रहा हूं, नेगेटिव पावर छोटा सा ही, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बहुत ही शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है। नेगेटिव पावर मतलब जैसे हमने कहीं पे यहां पर लिख दिया 2 के पावर -3, यानी पावर आपका जो है नेगेटिव हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले इस नेगेटिव पावर को हटाते हैं, और नेगेटिव पावर हटाने के लिए ये क्या होता है, ये जो डिजिट है नीचे ये बेस है ये रेसिप्रोकल होता है, यानी ये जो 2 है ना ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 के पावर 3, ठीक है। जैसे एक और हम एग्जांपल लो, हमने कहीं पे लिख दिया 1/2 के पावर -3 ऐसे, अब ये फिर से नेगेटिव पावर, तो ये 2 नीचे है ना तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, तो जैसे ही ये बेस को क्या करते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो नेगेटिव पावर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा सॉल्व करके 8, तो ऐसे, क्लियर। मैं और एग्जांपल लो, हमने लिखा 4/2 के पावर -2, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या जाएगा आपका, 4 तो 4 ही रहेगा, ये 2 के पावर -2 को क्या करते हैं, ये 2 जैसे ही नीचे था ना ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा। जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करते हैं नेगेटिव पावर खत्म हो जाता है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 आएगा 4 से 16, ठीक है। और मैं एक ले रहा एग्जांपल, ठीक है, हमने लिख दिया 3/4 के पावर -2, इस पूरे का पावर नेगेटिव, तो इस पूरे को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 4/3, तो ये नेगेटिव पावर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर जाएगा ये, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/9। तो क्या करना है आपको, नेगेटिव पावर कांसेप्ट क्या करता है कि कहीं भी पावर अगर नेगेटिव हो तो सिर्फ ये जो बेस है ना उसको उल्टा करता है, यानी ऊपर है तो नीचे और नीचे तो ऊपर करता है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव पावर कांसेप्ट। तो नेगेटिव पावर के ऊपर मैं 3 क्वेश्चंस आपको कराता हूं, इसका आंसर आपको सामने दिया हूं, ठीक है, आप खुद से इसको ट्राई करके आंसर मैच करा सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई करें फिर उसके बाद देखें। चलिए मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूं। 5 के पावर -3, मैंने क्या बोला कि जैसे नेगेटिव पावर क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है, जो 5 ऊपर है वो क्या करेगा नीचे। अब मैं बार बार कह रहा हूं नीचे कैसे मालूम कि ऊपर है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं दिखाई देता तो 1 होता है, यानी 5 का ऊपर है, यानी कहीं भी अगर अकेला नंबर दिखाई देगा नीचे कुछ नहीं दिखाई देता तो कहां होता है, ऊपर होता है। तो जैसे ही नेगेटिव पावर हटाएंगे तो जाएगा ये 1/5 के पावर 3, और 1/5 के पावर 3 क्या जाएगा, 5 × 5 × 5 3 बार करेंगे उसको प्रोडक्ट करेंगे तो जाएगा 1/25, ठीक है, यानी वो आ गया आंसर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से देख रहे हैं इस पूरे के नेगेटिव पावर क्या करेंगे, नेगेटिव पावर को सबसे पहले हटाया जाता है, तो क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल, यानी 3/2 को 2/3 लिख देंगे, जैसे ही ये रेसिप्रोकल किया नेगेटिव पावर खत्म। अब क्या करेंगे, 2 के पावर 3 बच जाएगा, और ये 3 के पावर 3 पावर दोनों में चला जाता है, तो 2 के पावर 3 यानी 3 बार कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, 8/27, इसको 3 बार करेंगे 3 × 3 × 3, इसको मैं लिख रहा हूं 2 × 2 × 2, ये भी खुलेगा आपके, 3 × 3 × 3 8 आ जाएगा, 8/27 आंसर, ठीक है। फिर से यहां देख सकते हैं पूरे का नेगेटिव पावर क्या जाएगा, ये 5 बढ़ जाएगा, ये 1 नीचे चला जाएगा, नेगेटिव पावर खत्म हो जाएगा, और फिर से स्क्वायर कर लेगा 5 × 5 जाएगा, नीचे का जाएगा 1 × 1, तो नीचे 1 कुछ भी कर ले आप कितना लोग 25 × 25 = 1 × 25 × 25 = 25 होगा, ठीक है। तो नेगेटिव पावर क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव को क्या हटाने के लिए क्या करना है, ये जो बेस इसको रेसिप्रोकल, ठीक है, बस नेगेटिव पावर खत्म, बाकी आप पहले ही एक्सपोनेंट का रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 6 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट यानी पावर का कुछ लॉ है, ठीक है, क्या लॉ है, तो फर्स्ट लॉ मैं यहां पे लिख रहा हूं, a के पावर m इनटू a के पावर n, ठीक है, यानी यहां देख सकते हैं कि बेस दोनों जगह सेम है,
और पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट हो भी सकता है नहीं भी सकता। बेस देखें, देख सकते हैं बेस यहाँ पे सेम दिया हो तो क्या होता है, जब दो इस तरह से एक्सपोनेंट हो जिसका बेस सेम और प्रोडक्ट हो तो इनका पावर क्या होता है एड होता है। एड मतलब ए तो ए ही रहेगा, ए के पार एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इधर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ ले 2k/3 × 2k/4 तो देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर क्या जाएगा प्रोडक्ट में एड जाएगा, 2k/7। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दूसरा जो है ये जैसे प्रोडक्ट में वैसे डिवाइड ए के पार्ट एम डिवाइड ए के पार्ट एन। ठीक है, तो डिवाइड में क्या होता है पावर सेपरेट हो जाता है, तो ए के पार्ट एम माइनस एन, ध्यान रखना इससे डिवाइड होगा इसलिए इसका पावर इसमें सेपरेट होगा। ठीक है, इसका इसमें से नहीं होगा, पहले वाले में से दूसरे वाले का माइनस होता है। ठीक है, इससे डिवाइड होगा, जिससे डिवाइड होगा उसका ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि एड है तो किसी का भी कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंस में आपको एम माइनस एन ही लिखना है, पहले माइनस दूसरा। ठीक है, जब फिर से मैं इसी का देखना, तो इसमें मैंने आप लिख दिया 2k/4 और डिवाइड 2k/3, तो फिर से डिवाइड में तो पावर क्या जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2k/4 − 3 यानी कितना हो जाएगा 2k/1 यानी कितना हो जाएगा 2k/1 2। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले सकता। तीसरा, अच्छा इसी को मैं ये जो डिवाइड है इसको ऐसे लिख सकते हैं a^m / a^n, तो ये भी वही चीज है ना, a^m डिवाइड का मतलब नीचे, तो ये भी क्या जाएगा a^m − n, तो आपका ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब मैं बता दूं कि जैसे इस तरह से ऐसा हो तो ऐसा हो जाता, तो ऐसा तो ऐसा यानी जब बेस सेम हो और प्रोडक्ट में हो तो पावर ऐड होता है, और जैसे ही कहीं ये इस तरह से ऐड में दिख रहा हो तो इसको तोड़ करके दो अलग अलग प्रोडक्ट में देख सकते हैं, a^m × a^n, इसका कन्वर्स जिस तरह से इससे इससे बनेगा तो इसका इसका भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले जैसा फॉर्मूले ही, तो जब भी फॉर्मूला होता है ना LHS से RHS होता है तो RHS से LHS भी होता है, वैसे डिवाइड में पावर अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो कहीं पर अगर ऐसे पावर सब्ट्रैक्ट में तो उसको ऐसे डिवाइड में लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर से डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब तीसरा है पावर डबल पावर, इसको बोलते हैं पावर डबल, यानी a^m / n, इस तरह से होता क्या होता है पावर प्रोडक्ट हो जाता है, यानी a^m × n, तो एग्जांपल इसके लगाना। ठीक है, जैसे हमने लिखा 2k/3 के पावर 2, तो कितना जाएगा 2k/power/power होता है प्रोडक्ट यानी 6, प्रोडक्ट ध्यान रखना है प्रोडक्ट होता है ऐड में, तो 6 यानी 2k/6 हो गया, 2k/6 कितना होता है आपका 64। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद आते हैं फोर्थ। ठीक है, अब होल पावर, जैसे ए बी का पावर या हमने ऐसे लिखा इसको ऐसे लिखा a^n × b^n, अब क्या है बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम, इसको ऐसे कर सकते हैं ये दोनों को एक साथ कर देंगे प्रोडक्ट और फिर होल पावर, या इसी उल्टा अगर होल पावर हो तो अलग, लेकिन ध्यान रखिए जब प्रोडक्ट में होता है तब प्लस होता है, तो नहीं प्रोडक्ट में अगर उसका होल पावर होता है इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं उसको ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है कि हमने लिख दिया 2k/3 × 3k/3, देख सकते हैं बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम, क्या करेंगे इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे 2 × 3 और ये पावर पूरे हो जाएगा। जब पावर दोनों का सेम होता है तब ऐसा होता है होल पावर, पावर दोनों का सेम है और प्रोडक्ट में है तो होल पावर हो जाता है, या ऐसे ही जब ये दो डिफरेंट नंबर है उनका पावर सेम है तो हम अलग अलग प्रोडक्ट में कर सकते हैं, a^n × b^n है तो हम इसको लिख सकते हैं a^n × b^n, ये पावर दोनों पे जा सकता है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये प्रोडक्ट होगा तभी, तो ऐसे बताया देख सकते हैं पावर सेम है ये दोनों पहले प्रोडक्ट हो जाएगा इसको होल पावर हो जाएगा, अब ये दोनों पहले प्रोडक्ट कर देता जाएगा 6 × 3 आपका 216 6 × 6 × 6 करेंगे। ठीक है, एक छठा में देखिए आप समथिंग का पावर 0 a^0 ये हमेशा 1 होता है, एग्जांपल के तौर पे अगर 100 × 0 है तो कितना होगा 1 करोड़ अगर कहीं पे लिख दिया है, चलिए 1 लाख में लिख दिया, 1 लाख के पावर अगर 0 लिखा हुआ ये भी क्या आएगा 1 ही आएगा, समथिंग के पावर 0 किसी भी चीज के पावर 0 हो क्या होगा 1 होगा, x के पावर 0 ये भी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, किसी का नाम ले लो उसके पावर 0 वो भी क्या होगा 1 होगा, समथिंग के पावर 0 1 होगा, लेकिन ध्यान रखना ये जो बेस है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये a कौन सी नॉन जीरो, समथिंग के पावर 0 कुछ भी होता है 1, 10 के पावर 0 1, 100 के पावर 0 1, 1 करोड़ के पावर 0 1। ठीक है,
अभी जो मैंने ड्रॉज कराया किसी के ऊपर मैं क्वेश्चंस लेके आया, ठीक है, आर डी शर्मा का मैंने एग्जांपल बन लिया है, ठीक है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसमें चार क्वेश्चन थे, मैंने तीन क्वेश्चन इतने कवर कराऊंगा। तो पहले देख सकते क्या है, बेस सेल है पावर और प्रोडक्ट में, तो जैसे ही बेस सेल और प्रोडक्ट में हो तो पावर क्या जाता है एड होता है, तो क्या जाएगा इसका आंसर 5 × 2 + 4 यानी कितना 5/6। इसको ओपन करके देख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। दूसरा देख सकते हैं बेस से में लेकिन डिवाइड ना, बेस से में डिवाइड होता क्या था पावर सब्ट्रैक्ट, तो 8 − 3 पहले में से दूसरे का क्या जाएगा 5/8 − 3 कितना 5, इसको भी आप छोड़ सकते हैं ऐसे, क्या 5 × 5 × 5 करके प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सी में क्या देख सकते हैं पावर के ऊपर पावर, तो मैंने बताया पावर 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 क्या होता है पावर प्रोडक्ट चला जाता है, 3 × 3 × 2 × 3 = 3 × 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका जो डी क्वेश्चन है, ये आपका 3/4 का पावर ये आपका -3, ये क्वेश्चन डी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देख सकते हैं एक तो होल पावर का कॉन्सेप्ट दिख रहा है और एक नेगेटिव पावर का दिख रहा है, तो सबसे पहले हम नेगेटिव पावर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेगेटिव मैंने बताया था कि नेगेटिव पावर में अगर नेगेटिव होती है तो नेगेटिव को हटाने का क्या है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3 जैसे ही करेंगे ये नेगेटिव पावर खत्म, यानी 3 आ गया। उसके बाद देख सकते हैं होल पावर तो मैंने अभी दिखाया था कि होल पावर तो क्या जाएगा, एक बार हो जाएगा 4/3 और एक हो जाएगा 3/3, ये पावर जो है पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब 4/3 इसको प्रोडक्ट करते हैं 1664 यानी 64 और एक हो जाएगा 27, ये आंसर क्या इतना छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, तुम्हें आपको मैंने दे दिया 101 का पावर यहाँ पे लिख दिया तो 0, आंसर कितना होगा इसका, समथिंग पावर 0 कितना 1। अच्छा आपसे अगर पूछ लूँ 0/0 तो ये आपको बोलना है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसका मैथ में कोई सोल्यूशन नहीं होता, 0/0 तो इसको बोलते हैं हाई क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ही समथिंग पावर 0 यानी 8/0 ये भी क्या होता है नॉट डिफाइंड, ध्यान रखना आपको, कभी भी नीचे यानी कभी भी डिवाइड में जीरो नहीं होता, कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं करते, इसका मैथ में कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये भी नॉट डिफाइंड होते हैं, ठीक है, ये भी आपका नॉट डिफाइंड था। तो कहीं कहीं आपको मिलता है कि 0/0 क्या होता है, तो ये नॉट जीरो होता है, ये भी क्या है इनडिटरमिनेट है, इसको कोई नॉट डिफाइंड है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, ये आपका आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है उसके मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए, चार क्वेश्चन में इसका आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जैसे आपको मैंने ये आपको मैं कराने वाला हूँ, एक थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, और ये आपका एक, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मैं यहीं पे आपको कराने वाला, बाकी दो क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये फोर्थ क्वेश्चन मैं पहले कराना, फोर्थ नंबर वाला, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लिख दिया बोर्ड पे दोबारा से, ये रहा आपका आंसर 5/4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं कैसे, सबसे पहले ये जो हमने रूल्स अभी देखे, जो हमारे 6 जो थे एक्सपोनेंट के लॉज थे, उसी लॉज को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कितना 2/3 का होल पावर, कितना होल पावर होता है इस पूरे का पावर, ठीक। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, ये पावर क्या होल जब पावर था मैंने बताया था कि ये पावर इस तरह रहते हैं 2/2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा, ये पावर दोनों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है होल पावर, ठीक। याद होंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ में क्या है होल पावर है लेकिन साथ में क्या है नेगेटिव पावर, तो जैसे ही आपको कहीं सबसे पहले नेगेटिव पावर दिखे तो इसका आपको नेगेटिव पावर को क्या करना है खत्म करना है, तो नेगेटिव को खत्म करने के लिए क्या करते हैं इसको रेसिप्रोकल करते हैं, पूरे का जिसका भी नेगेटिव पावर है उसको रेसिप्रोकल करना है, ये पूरे का नेगेटिव पावर तो पूरे को रेसिप्रोकल करना है, यानी 2/5 के लिए 5/2, तो जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करते हैं ये नेगेटिव पावर में खत्म हो जाता है, यानी अब क्या हो जाएगा 3 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, ये कितना 3/5 उसका होल पावर 2। अच्छा इसको भी जब होल पावर पहले से है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी जो हर एक स्टेप को सॉल्व करना है, जैसे इसको हमने सॉल्व किया इसको नेगेटिव पावर को सॉल्व किया, इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 3/2 × 5/2 अपॉन में है, ये पावर देगा इसको भी आ जाएगा और ये पावर इसको भी आ जाएगा जैसे ये था, ठीक क्लियर। उसके बाद फिर से क्या कर लेंगे, इसको 2 × 2 दो बार कर लेंगे और इसको 3 × 3 तो 3 × 3 दो बार कर लेंगे, अब ये हमने रेसिप्रोकल कर लिया तो इसको भी ये पावर जाएगा इसको जाएगा, तो ये 5/3 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा, तो 5/3 जो डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं 5 × 5 × 5 क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा यानी कितना 2 × 2 × 2 क्लियर। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना 3 × 3 उसके बाद क्या है 5 × 5 ठीक क्लियर। अच्छा ये काम ये भी कर सकते हैं कि आप पावर को रेसिप्रोकल करके आप फिर ऐसे भी करते हैं उल्टा करके फैक्टराइज करते हैं स्टेप, तो आप पहले करेंगे प्रैक्टिस एक एक करके तो आप फिर अपने आप जल्दी जल्दी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। हमारा काम एक एक स्टेप करके बताना, बाकी आप जब एक एक स्टेप समझ जाएंगे तो आप खुद ही अपने आप जल्दीबाजी करना शुरू करेंगे, जल्दी से खुद कर लेंगे, ठीक है क्लियर। अब इसको सॉल्व करना देख सकते हैं 2 2 2 2 से 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 3 कैंसिल हो गया,
और कुछ यहाँ ये रहा फाइव, आपका ये फाइव, ये फाइव, ये फाइव, ये फाइव कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका क्या बचा, पूरे ऊपर में देख सकते हैं आपका फाइव बचा और नीचे में क्या बचा, टू बचा, आंसर कितना गया 5.2। क्लियर, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, वैसे इसका एक और तरीका है कि जितना भी टू है उसको पावर में कर लें, ठीक है, एक्सपोनेंट लगा करके। क्लियर, जैसे मैं इसको यहां से बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ टू के पावर टू बन रहा है, टू के पावर टू लिख दें, यहाँ क्या बन रहा है फाइव के पावर थ्री बन रहा है, फाइव के पावर थ्री बना दें, यहाँ पे क्या बन रहा है थ्री के पावर टू बन रहा है, थ्री पावर टू बन दें, और नीचे फिर क्या है थ्री के पावर टू है, फिर क्या है यहाँ पे क्या बनेगा टू के पावर थ्री बनने वाला है, यहाँ पे टू के पावर थ्री बनने वाला है, और यहाँ पे क्या बनने वाला आपका फाइव के पावर टू बनने वाला है। ठीक है, अब हमने बताया था कि अगर बेस सेम हो और प्रोडक्ट में तो पावर ऐड होता है, और बेस सेम हो और डिवाइड में तो पावर सबट्रैक्ट होता है, तो टू के जैसा बेस वाला कोई प्रोडक्ट में तो है नहीं, लेकिन टू के जैसा डिवाइड में है, देख सकते हैं टू के जैसा डिवाइड में है, तो ऐसा कर सकते हैं पहले टू वाले को हिसाब कर ले, तो टू के पावर टू अपॉन में टू के पावर थ्री इंटू फाइव वाले पर फाइव के पावर पर कितना है थ्री, और नीचे कितना फाइव के पावर टू, और फिर कितना ऊपर थ्री के पावर टू है, और यहाँ नीचे कितना है थ्री के पावर टू। ठीक है, तो ये क्या है देख सकते हैं आप, ये क्या है बेस सेम है और डिवाइड में, तो बताया था कि जब बेस सेम और डिवाइड में तो पावर क्या होता है सबट्रैक्ट होता है, और सबट्रैक्ट में से कौन सा को ऊपर वाले में से नीचे वाले में टू माइनस थ्री, और ये क्या हो जाएगा फाइव के पावर थ्री माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा थ्री के पावर टू माइनस टू। ठीक है, उसके बाद टू के पावर टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा टू के पावर टू माइनस थ्री माइनस वन, फाइव के पावर थ्री माइनस टू कितना थ्री माइनस टू कितना वन, फाइव के पावर वन, और थ्री के पावर टू माइनस टू कितना थ्री के पावर जीरो। तो ये बिल्कुल हमने प्योर इसमें हमने सारे लॉज इस्तेमाल किए, तो टू के पावर माइनस वन नेगेटिव पावर हमने बताया था, नेगेटिव पावर क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है यानी वन पर टू हो जाएगा इन टू, फाइव के पावर वन यानी फाइव, थ्री के पावर जीरो समथिंग के पावर जीरो कितना होता है वन होता है, तो आप इसको देख सकते हैं ऊपर में कितना है फाइव इंटू वन कितना जाएगा आपका फाइव, और नीचे में कितना है टू। तो ये हमने बिल्कुल प्रॉपर रूल सप्लाई किए, तो इसमें क्या होता है इसका इतना टाइम लगता है, तो आप ये सिंपल है, ये ज्यादा सिंपल है। ठीक है, मैंने उसको बिल्कुल इसमें प्रॉपर अप्लाई किया, तो आप ये ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये आपके लिए ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, तो मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड पे। ठीक है, तो अब देखना है इसको फिर से, आपको एक्सपोनेंट और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाना है, सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पढ़ा उसी को यूज करना। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ टू के पावर 55 इंटू टू के पावर 60 माइनस है बीच में टू के पावर 97 इंटू टू के पावर 18। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट दिख रहा है, कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही सब्ट्रैक्ट ऐड प्रोडक्ट ये सब दिखता है, तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है कि अगर प्रोडक्ट और सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास में ब्रैकेट को फिर ऑफ को। ठीक है, क्लियर, बोर्ड मास आपको नहीं पता तो इसको डिटेल्स आप एक बार देख लेने कहीं से, बोर्ड मास ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड स्टेप पे ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट, ये बोर्ड मास लॉ कहता है। ठीक है, इसी रूल्स को फॉलो किया जाता है, जब कहीं पे भी ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो सब कुछ मिक्स हो तो हम बोर्ड मास का रूल इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई दिख रहा है, प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, बाद में सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, जो नीचे है उसको बाद में करते हैं, जो ऊपर है उसको पहले करते हैं, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले किसको करते हैं प्रोडक्ट को यानी मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई को पहले करते हैं बाद में फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन नीचे है तो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये पहले यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट है तो तभी हमने बताया कि प्रोडक्ट में और बेस सेम हो तो पावर क्या जाता है ऐड जाता है, तो टू के पावर कितना जाएगा इसको ऐड करते हैं पावर को 55 प्लस 60 ऐड करके लिख भी सकते हैं माइनस टू के पावर कितना जाएगा 97 प्लस, ये प्रोडक्ट में बेस सेम है तो पावर क्या जाएगा ऐड जाएगा। अच्छा, आप लोगों को दिमाग में रखा प्रोडक्ट में हो और पावर प्रोडक्ट में हो और बेस सेम न हो तब तो क्या करें, तब तो फिर जैसे हम ऐसे छोड़ देंगे, अगर प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा टू के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, तो अब यहाँ पे क्या होगा बेस सेम नहीं है, प्रोडक्ट में है तो लेकिन आपका बेस सेम नहीं है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं होना जैसे है वैसे नहीं थे, टू के पावर थ्री को अलग से सॉल्व करेंगे 8 और इंटू टू थ्री के पावर टू कितना जाएगा 9, फिर कितना जाएगा 72, इसको अलग सॉल्व करेंगे इसको अलग सॉल्व करेंगे फिर आपको पावर ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखें, तो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि जब तक बेस सेम नहीं होगा तब तक ये रूल अप्लाई होगा, बेस सेम होगा तभी जाकर प्रोडक्ट में पावर ऐड होगा, अगर प्रोडक्ट में है लेकिन बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्लियर, तो अब यहाँ पे बेस सेम था प्रोडक्ट में पावर ऐड कर दिया, अब कितना जाएगा यहाँ पे टू के पावर देख सकते हैं कितना जाएगा, आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 115 माइनस टू के पावर, ये भी कितना आएगा 115। तो कितने क्वेश्चन लग रहा था बड़ा अजीब सा, लेकिन काफी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है,
टू के पावर 115 टू के पावर 15 देख सकते हैं सेम चीजें, और सेम चीजें इसमें से ये माइनस होगा खत्म जीरो, आंसर क्या है जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका आरडी शर्मा का एग्जांपल 3 है, इससे पहले आपका एग्जांपल नंबर 2 था, जो भी मैं करा रहा हूँ आरडी शर्मा का एग्जांपल्स करा रहा हूँ, काफी अच्छे क्वेश्चन। अब आप कह रहे हो कि आरडी शर्मा का एग्जांपल तो सॉल्व ही है, तो फिर आप क्यों कह रहा हो, क्योंकि बुक्स में तुम जानते हो सब कुछ अलग है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ समझाना नहीं है ना, अगर बुक हमें समझा देगा तो हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमें उसी बुक्स में जो लिखा हुआ उसी चीज को आपको समझाना है, कैसे आप बेटर तरीके से उसको समझ सकते, ठीक है, ठीक है। तो आते क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जो है इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें सेकंड और फिफ्थ वो करा रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैं बच्चा हुआ 3 क्वेश्चन आपको लिख दूंगा, उसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये क्या करें, इफ ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुछ दिया हुआ यहाँ पे, गिवन है, ए इक्वल टू 2 दिया हुआ और बी इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ट्राई किए, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको करना है, एट क्लास में देखा हूँ, तो जल्दी क्या दिमाग में करो कि एक वैल्यू 2 पुट कर दें, बी वैल्यू 3 पुट कर, बिल्कुल वही करें लेकिन थोड़ा तरीके से, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक के जब क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए के जब यहाँ पे सबको पहले पुट करना है, ठीक है, पहले अभी आपने सुनो 2 यहाँ पे बी के जब कितना 3 लेना है, बी जब 3 लेना है 2 के ऊपर 3 प्लस यहाँ पे क्या है बी 3 है और ए कितना 2 है, तो 3 के ऊपर 2, ठीक है। क्या करते हैं ना, तो बेस 7 है ना पावर 7, दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट में नहीं है, प्रोडक्ट में हम देखते हैं, प्रोडक्ट में देखते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड करें, यहाँ तो प्रोडक्ट में ही है ना, तो प्रोडक्ट में है ना बेस सेम है, तो फिर क्या करें, इसको अलग से सॉल्व होगा, ये अलग से सॉल्व होगा, तो 2 के ऊपर 3 2 into 2 into 2 करेंगे, ऊपर करेंगे कितना जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस ये 3 के ऊपर 2 कितना जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 है, और कितना जाएगा 17, तो इसका आंसर कितना 17, आसान था। फिफ्थ का इस क्वेश्चन का है, एक जब क्या पुट करना है 2 पुट करना है और बी जब क्या पुट करना है 3 पुट करना है, ठीक है, एक जब क्या पुट करना है 2 पुट करना है, पुट कर दिया, जहां जाए था वहां 2 और बी जाता 3 कर दिया। अब क्या करें, इस पावर क्या करें, ये पावर एक बार इसका जाएगा एक बार इसके, नहीं बिल्कुल नहीं, बीच में देख रहे हैं यहाँ पे क्या साइन है एड का है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, तब हमने बताया था कि जब प्रोडक्ट में हो और पावर ऐसे हो तो ये पावर इसके आ जाएगा एक बार इसका, प्रोडक्ट में हो तो ध्यान रखना, जब ये एड हो तो पावर दोनों पे नहीं आता, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखा होता है, तो क्या इसका ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं इसका आपका भी नहीं होता, ये गलत है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये पावर अलग अलग नहीं होता, प्लस में माइनस हो तो पावर अलग अलग नहीं होता, जब प्रोडक्ट में होता है या डिवाइड होता है तब ये होल पावर दोनों पे आ जाता है, तो या ना तो प्रोडक्ट में डिवाइड हो, इसलिए आपको डायरेक्ट ये पावर इस पे है इसका मतलब, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इस अंदर वाले को पहले सॉल्व करें, तो सॉल्व कैसे होगा देख सकते हैं, में तो क्या होगा एलसीएम लेकर सॉल्व होगा, 2 3 का एलसीएम कितना 6, 2 से यहां डिवाइड होगा 3 बार में 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस एलसीएम लेकर सॉल्व करना है आपको, 3 से यहां डिवाइड होगा 2 बार में 2 से फिर जितने बार डिवाइड था 2 से बार में डिवाइड होगा 2 से 1 मल्टीप्लाई करना 2 आ जाएगा, ठीक है, कितना ले और उसके पावर कितना है 2 है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा ऊपर अंदर सॉल्व कर रहे हैं 5 और 6 से पावर कितना आ गया 2, तो कितना आ गया पे पावर 2 है, तो यहां पे क्या हो गई 5 का स्क्वायर, अब यहां पे देख सकते हैं डिवाइड में आ गया, तो अब ये पावर ऐसा हो सकता है 5/2 और 6/2, तो 5/2 कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 / 6/2 कितना हो जाएगा 6 × 6 = 36, ये आपको अब ये अगर आपको कट रहा तो काट देना, नहीं छोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, इसके सामने आंसर लिखा हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन आप घर से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, और ये आंसर सामने कोई भी अगर आप डाउट हो तो आप उसको वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दें, ठीक है, कमेंट कर दें कि किस प्रॉब्लम में आपको डाउट है, दोबारा से करा दिया जाएगा, किसी टॉपिक में भी अगर आपको डाउट है तो दोबारा से करा दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आरडी शर्मा का है, पेज नंबर 2.6 पेज पे, अभी जो मैंने पहले करा वो भी 2.6 पेज पे ही था, ये भी एग्जांपल 1 है, ठीक है, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, मैंने 3rd और ये 4th क्वेश्चन लिया हूँ। उसके बाद ये मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपका एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, तो जिनके पास आरडी शर्मा बुक नहीं है आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, मैं बता दूंगा कौन सा क्या करना है, सिंप्लीफाई कर ले या सॉल्व कर ले, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन है 125 का पावर कितना है माइनस का 1/3, और 4th क्वेश्चन क्या है 27 पावर माइनस का 2/3, ठीक है, हमने माइनस वाला क्यों लिया है, वो क्वेश्चन में ले रहा हूँ, जो भी छोड़ रहा हूँ वो काफी सिंपल है, आप इसको अच्छा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप ये नए क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आप इसी को दोबारा से प्रैक्टिस करें, या इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन करें और जो नया दूंगा वो भी करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा, ठीक है, क्लियर। तो सब बढ़ते के करके ये क्या है 125 के पावर माइनस 1/3, पावर में अगर कहीं पे नेगेटिव है तो सबसे पहले इस नेगेटिव को हटा रहे, और हमने बताया कि पावर नेगेटिव में, पावर में से नेगेटिव हटाना तो क्या करना है, जो भी बेस है उसको रेसिप्रोकल कर रहे,
यानी जो ये 120 है, 5 है, इसको लिख देंगे 1/125, ठीक है। अब जैसे ही ये जो पावर नेगेटिव था ये क्या हो गया, ये इस तरह से हो जाएगा, पावर नेगेटिव खत्म, पावर वही रहेगा 125 की पावर 1/3, सिर्फ नेगेटिव नहीं रहेगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नेगेटिव पावर को खत्म करने का तरीका रहता है। अब क्या करना है, ये को जो पावर में देखते हैं अपॉन में, तो अपॉन में आपको नीचे वाला देखना है, ऊपर वाले क्योंकि हमें प्रॉब्लम नीचे वाले से, ठीक है, नीचे वाले की से दिक्कत हुई, नीचे का पावर 3 है, तो वैसे ही इसको आप फैक्टराइज करेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये 3 से कुछ पावर में कन्वर्ट हो जाएगा या 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 125 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आपको आएगा 5 के पावर 3, 5 के पावर 3, इसको आप 125 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 × 5 = 5 / 3 है। तो जनरली आपको जो नीचे पावर है उसी वही पावर आ जाएगा या उसी का मल्टीपल, मतलब उससे डिवाइड होने पावर आएगा, यानी 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, ऐसा कुछ पावर बनने वाला होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने बना दिया, अब उसको क्या 1/3, अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का रूल लगा देंगे, पावर का ऊपर पावर, पावर के ऊपर का ए के पावर क्या होता है, लिखा ना ए के पावर, मान लीजिए एम है इंटू ए के पावर पावर एन है, क्या होता है, ये पावर पावर होता है तो ये पावर मल्टीप्लाई होता है। तो वैसे यहाँ पे क्या जाएगा, ऊपर तो माने छोड़ देंगे, नीचे क्या है 5 के पावर 3 के पावर 1/3, तो 3 × क्या जाएगा 1/3, तो ये 3 नीचे ये ऊपर कट गया, तो नीचे ऊपर क्या है 1 है और नीचे क्या है 5 है, ये आ गया आंसर 1/5। तो इस तरह से ये सॉल्व किया, ठीक है, चीजें बिल्कुल ढंग से ध्यान से सुनते हैं, मेरी कोशिश है कि आपको 100% समझाया जाए, ठीक है, क्योंकि आप समझेंगे तभी आपको इंटरेस्ट आएगा मैथ में, तो सबसे बड़ी, अगर आप मैथ को समझ गए तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ है। चलिए फिर से आते हैं, 27 को क्या है -2/3, फिर से पावर में क्या है नेगेटिव है, तो मैंने बताया जैसे ही आपको पावर नेगेटिव है तो पावर को नेगेटिव को खत्म करना, नेगेटिव खत्म करने का तरीका क्या है कि जो बेस है उसको रेसिप्रोकल करना, यानी जो 27 इसको क्या लिखेंगे 1/27, अब ये जो पावर -2/3 हो जाएगा क्या हो जाएगा 2/3 है, ठीक। अब फिर से मैंने बताया कि इसको क्या करना, बेस को ऐसे फैक्टराइज करना है कि 3 के पावर के मल्टीपल में फैक्टराइज करेंगे, तो आप ये 3 के पावर 3 है, 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 के पावर 3 आता है और ये बाहर में क्या है 2/3, फिर से देख सकते हैं क्या है, पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, क्या करेंगे पावर के ऊपर पावर है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जाएगा पावर 3 × 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 है, नीचे क्या बचा 3/2 बचा, और 3/2 कितना जाएगा 9, तो ये हो गया आपका 1/9 आंसर। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो सेकेंड और थर्ड था, सेकेंड फोर्थ नहीं था, सेकेंड और थर्ड, बच्चे कौन सा फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, मैं इसको भी करा रहा हूँ, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको एक्सरसाइज दे दूंगा करने की, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद हमारा सोल्यूशन दे, ठीक। तो मैंने क्या बताया इसको क्या करना है, ये तो आपको आसान है, अब इसको मैं इसलिए करा रहा हूँ थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपको हमेशा चीजें ना थोड़ा ढंग से करने की कोशिश, अपने तरीके से करना, ठीक है, क्लियर। जैसे ही आप इसको जब करेंगे तो आपको एक नई नई चीजें निकल के आएगी सामने कि हम और इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ कैसे और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, मैं इसको दो तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। 64 को एक तो हम लिख सकते हैं ये 4 के पावर 3, मैंने बताया था कि जो पावर बनता है उसी का पावर बना था 4 के पावर 3 1, ये फिर से पावर के ऊपर क्या है पावर, तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा 3 × 1/3, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 बचा। सेकेंड मेथड में लिख रहा हूँ, ये जब 64 को जनरली हम फैक्टराइज करते हैं ना तो हमारे दिमाग में 4 का नहीं आता, 2 से करते हैं, 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, तो कितना हो गया 5 2 बन रहा है, 6 2 बन रहा है। 64 को क्या है, ये 64 क्या लिखेंगे 2 के पावर 6, 64 को, और इसका पावर कितना है 1/3, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, सेकेंड मेथड है, 2 के पावर कितना जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, फिर से मल्टीप्लाई जाएगा 6 × 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, कितना लिया 2 के पावर 2, ये 2 ऊपर है, ध्यान रखना है आपको, जो अकेला होता है ना ऊपर होता है, तो 2 के पावर 2 कितना होता है 4, तो देख सकते हैं आपको वही आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आप ये इसी तरह फैक्टर बना दें तो वैसे या फिर ऐसे जैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे, ठीक है, हमने दोनों तरीके करा दी, ठीक है। यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं आपका पावर फिर से क्या नेगेटिव है, मैंने क्या बताया था जैसे पावर नेगेटिव, पहले नेगेटिव पावर घटाना है, नेगेटिव पावर घटाने क्या करते हैं इसको रेसिप्रोकल करते हैं, इसको नहीं करना, बहुत बार लोग इसको करते हैं, ठीक है, नहीं इसको रेसिप्रोकल करना, तो कितना हो जाएगा पावर नेगेटिव हटाने के लिए 25 × 64 और ये पावर -3/2 से क्या हो जाएगा 3/2, ध्यान रखना है इसको रेसिप्रोकल करना है, जिसका पावर है उसको, पावर को नहीं, तो नेगेटिव खत्म हो जाता है इसको रेसिप्रोकल करने से। तो अब फिर से इसको 5 को क्या लिख सकते हैं,
25 को भी करना पड़ेगा और इसको तोड़ना पड़ेगा, ये टू ये भी लिखेगा 5 का स्क्वायर है ये, और ये देख सकते हैं 64 है ये, 4 का क्यूब है, या 2 के पावर 6 भी हो सकता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब होने क्योंकि यहां पे पावर 3 है यहां पे पावर 2 है, इसलिए तो अब क्या होगा ये पावर का ऊपर फिर से इस पावर का भी पावर है, इस पावर का पावर है, इसका भी मल्टीप्लाई यानी 5 के पावर कितना जाएगा 2 * 3 / 2 ठीक है, तो 4 के पावर 3 * 3 / 2 हो जाएगा, ठीक है क्लियर। तो अब देख सकते हैं यहां 2 ऊपर है, यहां ये 2 नीचे कट गया, यहां पे क्या आपका 4 के पावर 3 * 3 के पावर 2 है ना, तो यहां पे पावर देखा 3 3 काटना नहीं है, अब 3 नीचे होता तो कटता, ठीक है ना, 4 के पावर 9 / 2 ठीक। अब देख सकते हैं इस 4 को भी हम लिख सकते हैं क्या, 4 को इस लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 9 / 2, तो देख सकते हैं ये फिर से प्रोडक्ट होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 9 बचा है, यानी आपका आंसर आएगा 5 के पावर 3 / 2 के पावर 9 ठीक है क्लियर। तो यह आएगा 125 पर में, यह आपको आ जाएगा 524 यानी 512। अब आपको क्या करना है, एक तो आर डी शर्मा का अगर बुक है तो ठीक, एक्सरसाइज 2.1 जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको कर लेना है, जो क्वेश्चन डाउट होगा मैं खुद ही आपको इसमें अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं करा दूंगा ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी जो है ना उसमें जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कुछ एग्जांपल है 26 से 25 पेज पे उसको कर लेना है, एक एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का 1.6 में इसी टाइप क्वेश्चन है उसको आपको करना है ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, साथ में ये भी क्वेश्चन जो मैंने कराया इसको प्रैक्टिस करना है आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।